नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में। तो आज है 5 जुलाई 2020, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। पूरी जानकारी इन खबरों के बारे में हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको हिमाचल में नई पंचायतों का नहीं होगा गठन, पिछले आरक्षण पर होंगे चुनाव और इसके अलावा हिमाचल सीमा पर पहुंचते ही जांची जाएगी पर्यटकों की कोरोना रिपोर्ट और ऑनलाइन बुकिंग, और इसके अलावा पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में कितने कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं, और इसके अलावा फर्जी डिग्री जांच के बीच 4 निजी विश्वविद्यालयों में दाखिलों पर लगी रोक। तो इन सभी खबरों के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे, पर सबसे पहले अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट्स के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हमीरपुर से 9, सोलन से 3 और कांगड़ से एक नया मामला सामने आया है। सबसे पहले बात की जाए जिला हमीरपुर से, तो हमीरपुर में 2 परिवारों के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भोरंज के पति पत्नी और उनकी 2 बेटियाँ और माँ सहित दिल्ली से लौटे थे, जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से 27 जून को लौटे बड़सर का बुजुर्ग दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा 2 और कोरोना पॉजिटिव बड़सर के पुरुष और महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके अलावा बात की जाए जिला सोलन के बारे में, तो सोलन में 3 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं। इनमें एक अर्की के क्षेत्र के पपलोटा में होम क्वारंटीन था, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा 2 अन्य परवाणु के रहने वाले हैं, जिनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1046 पहुंच गया है और सक्रिय मामले 326 हैं। इसके अलावा बात की जाए अगली खबरों के बारे में, फर्जी डिग्री जांच के बीच 4 निजी विश्वविद्यालयों में दाखिलों पर लगी रोक। हिमाचल में फर्जी डिग्री जांच के बीच प्रदेश के 4 निजी विश्वविद्यालयों में दाखिलों पर रोक लग गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने विद्यार्थियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सोलन, शिमला, ऊना और कांगड़ा जिले में ये 4 निजी विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को पत्र जारी कर शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए अगले आदेशों तक दाखिले नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल में नहीं होगा नई पंचायतों का गठन, पिछले आरक्षण पर होंगे चुनाव। हिमाचल में चुनाव से पहले नई पंचायतों के गठन का मामला अब ठंडे बस्ते पड़ गया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछली बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलेगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते तक पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया गया है, जबकि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव होने हैं। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार के पास इस बार करीब 450 नई पंचायतें बनाने के प्रस्ताव पहुंचे हैं, लेकिन अब सरकार ने नई पंचायतों के गठन का मामला लॉकडाउन के बाद ठंडे बस्ते डाल दिया है। वर्तमान में प्रदेश में 3226 पंचायतें हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर आधार पर होगा। अगर पंचायत में किसी वर्ग की संख्या 5% से कम है तो उन पंचायतों में आरक्षण नहीं मिलेगा। किसी पंचायत में आरक्षित वर्ग की 6 सीटें हैं तो वहां पर 50% महिला और 50% पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। अगली खबर है, हिमाचल सीमा पर पहुंचते ही जांची जाएगी पर्यटकों की कोरोना रिपोर्ट और ऑनलाइन बुकिंग। हिमाचल में सैलानियों को आने की सरकार से मंजूरी मिलते ही पर्यटन विभाग ने इसको लेकर मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दिया है। प्रदेश में आने से 72 घंटे पहले ICMR से पंजीकृत लैब से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट वाले सैलानियों को हिमाचल में आने दिया जाएगा। बॉर्डर पर पहुंचते ही इन सैलानियों की स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट और प्रदेश के होटल में कम से कम 5 दिन के लिए करवाई गई ऑनलाइन बुकिंग को जांचा जाएगा। अगर आप बाहरी राज्यों से हैं और हिमाचल में आना चाहते हैं तो आपके पास 72 घंटे पहले की आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, साथ में आपके पास होटल में रहने के लिए कम से कम 5 दिन के लिए करवाई गई ऑनलाइन बुकिंग को भी जांचा जाएगा, तो तभी आपको हिमाचल में एंट्री मिलेगी। जिला प्रशासन बॉर्डर से संबंधित होटल में बुकिंग को लेकर पूछताछ करेगा। सैलानियों के होटल पहुंचने पर इसकी जानकारी बॉर्डर से पूछताछ करने वाले अधिकारियों को होटल प्रबंधन द्वारा देनी होगी। आरोग्य सेतु ऐप का भी उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। होटल में पहुंचते ही सैलानियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। दोस्तों, ये थी आज हिमाचल प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से ताज़ा खबरों के लिए आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।